नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का महाज्ञान प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं अपने मस्तक पर बिंदी लगाती हैं और यह उनकी खूबसूरती उसमें चार चांद लगाने की कोशिश बिंदी भी करती है। वैसे तो 16 श्रृंगार महिलाओं पर, माताओं बहनों पर ही फबते हैं। विवाह के बाद महिलाएं मांग में सिंदूर तो भरती ही है, साथ ही वे ललाट के दोनों आंखों के बीच के भाग में सिंदूर की बिंदी भी लगाती है। मंगलसूत्र और माथे पर बिंदी हर भारतीय नारी के सुहागिन होने की पहचान करवाते हैं, क्योंकि अविवाहित कन्याएं न तो मांग में सिंदूर भरती है और ना ही सिंदूर की बिंदी लगाती है। और किसी दुर्भाग्य से विधवा महिलाओं के लिए बिंदी और मांग भरना वर्जित है। हाँ, विधवा महिलाएं, विडो लेडीज जो होती हैं, वो चंदन की बिंदी लगा सकती हैं। इसके पीछे क्या कोई रहस्य है? वैसे तो सिंदूर की बिंदी श्रृंगार के साथ सौंदर्य भी निखार लाती है, साथ ही ललाट पर लगा सिंदूर मंगलता का सूचक भी है। लेकिन इसके पीछे गहरा रहस्य यह है कि एक प्रथा बताता हूँ, शरीर विज्ञान से जुड़ी हुई है। सुहागिने जिस स्थान पर सिंदूर की बिंदी लगाती है वह स्थान ब्रह्म रंध्र और अधमी मर्म के ठीक ऊपर होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का यह स्थान अधिक कोमल होता है। सिंदूर को तैयार करने में पारे का इस्तेमाल किया जाता है और पारा मिश्रित सिंदूर की बिंदी ब्रह्म रंध्र और अधमी मर्म के साथ लगाने से एक तो महिलाओं के चेहरे पर झुर्रियां जल्दी नहीं पड़ती, दूसरा जो महत्वपूर्ण रहस्य है वह यह है कि इसके कारण महिला के शरीर में स्थित विद्युतीय उत्तेजना नियंत्रित यानी कंट्रोल में रहती है। लेकिन आजकल महिलाएं फैशन के कारण बाजार में रेडीमेड बिंदियां लाती हैं और लगाती हैं। जिस रंग के कपड़े होते हैं उसी रंग की बिंदी माथे पर लगाती हैं। यह फैशन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं बल्कि हानिकारक है, क्योंकि बिंदी के पीछे लगा गोंद और चिपकाने वाले पदार्थ केमिकल ही आपके ब्रह्म रंध्र या मर्म को स्पर्श करता है, जिससे न तो सौंदर्य की रक्षा होती है और न महिला की शरीर की विद्युतीय ऊर्जा कंट्रोल में रहती है। फिर कपड़ों के रंगों के हिसाब से लगाई गई बिंदी में मंगलता सूचक सिंदूरी रंग का अभाव होता है। पति की मंगल कामना के लिए लगाई जाने वाली बिंदी के साथ यह प्रयोग हरगिज शुभ तो नहीं कहा जा सकता है। मेरा सभी माताओं बहनों से प्यार भरा आग्रह है कि माथे पर बिंदी सिंदूर की ही लगाएं। फैशन के लिए पारंपरिक प्रथा को त्यागना शुभ नहीं होता है, स्वास्थ्यवर्धक भी नहीं होता है, और संभव हो तो मांग में सिंदूर जरूर भरें। पति की रक्षा होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और आपको खुद ऊर्जा महसूस होगी। प्रिय दर्शकों, ऐसे महाज्ञान के कार्यक्रम आप लोगों को अगर पसंद आते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि दूसरी माताओं बहनों को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।